अब तक आपने देखा बीएसजी के सारे दोस्त वापस आ चुके हैं और अब वो जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग ज़ीगो डिगन के पास। आज ना सिर्फ ज़ीगो डिगन की एंट्री होगी बल्कि मोस्ट बैडएस कैरेक्टर हेल और इविल गॉड साइंटो, इन तीनों के बीच आज होगा एक जबरदस्त क्लैश। या ये झूठ नहीं है। ओए साइंटो, कितनी देर में पहुंचेंगे हम ज़ीगो डिगन के पास? सामने एक फॉरेस्ट है जिसके पीछे मौजूद है ज़ीगो डिगन का घर, वहां तक पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे। अरे चिमकांडी उज्ज्वल, अरे कोई क्यों नहीं आई सर जी? अरे तेरी भैंस की, हट हट। अरे भैया चलो जल्दी। साहब, मैंने और मेरी बेटी ने पिछले 14 घंटे से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने के लिए दे दो साहब। ओए गरीबों, ये लो खा लो और ऐश करो। शुक्रिया साहब। नाइस ट्राई। क्या क्या डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर ज़ाल्टा? क्या ओए पागल हो गया क्या तू ज़ाल्टा? ये क्या किया तूने? वो बेचारा उन्हें खाना दे रहा था। और खाना? इस खाने में तो जहर है, इसका मतलब हो गया पोपट। ये लो दोस्तों, मेरे पास बस यही आखिरी 500 रुपए, रख लो और खा लेना कुछ। कितना आगे आगे हम, बट ज़ीगो डिगन नहीं आया। बहुत प्यास लग रही। मुझे भी। हेलो, पानी मिलेगा क्या? क्या साउथ का बादशाह? ये कैसे? सॉरी सर, मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया, मैं जा रहा। किडनी में क्या? हेलो, ए भैया पानी मिलेगा क्या? ये लोग कौन है? वो देखो गधों की फौज। एक मिनट, वो इंसेक्ट डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर ज़ाल्टा है क्या? या ये तो डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर ज़ाल्टा है। संभल कर, इनकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है। सबसे ज्यादा है उसकी और फिर इसकी। हेलो सर, बिग फैन, मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? क्या ऑटोग्राफ ज़ाल्टा का? यस, ये है मेरी बुक ऑफ धाकर। इसमें ना वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं। उन सबके ऑटोग्राफ कलेक्ट करना मेरा गोल है। ज़ाल्टा का रैंक है 49, 1.4 मिलियन किल्स। अच्छा, और मेरी रैंक कौन सी है? तू कौन बे? मैं वो इंसान हूँ जो जल्द तुम्हारी इस बुक पे नंबर 1 पे आने वाला है। वैसे अभी कौन है तुम्हारे नंबर 1 पे? तुझे क्यों बताऊँ? क्योंकि वो उसी का बेटा है, हाथ में देख उसके। रीडागो? इम्पॉसिबल, नोटिस कैसे नहीं किया मैंने? तुम्हें ये चलाना आता है क्या? ये हाथ? हाँ, इससे मैं कान खुजा लेता हूँ और कुछ पर्सनल काम भी। थैंक गॉड। एनीवेज ज़ाल्टा, साइन प्लीज। चुप। ज़ाल्ट, मेरा ये पंच कोई ऐरा गहरा डॉज नहीं कर सकता। आखिर है कौन तू? तारा। फ्रॉम सातारा? यस, तुझे कैसे पता? तारा, फास्टेस्ट गर्ल ऑफ साउथ एरा। या वो छोड़ो, अब साइन करो बस। इसके बाद क्या? इसके बाद आपके नाम के आगे RIP लगा दूंगी मैं। साइन कर ज़ाल्टा। क्या? अरे पागल है क्या? ये हमें खत्म कर देंगे एक ही झटके में। बहुत हुआ तारा, खत्म कर उन्हें। नहीं बॉस, जब तक मैं साइन नहीं ले लेती ज़ाल्टा जिंदा रहेगा। साइन कर ज़ाल्टा। डीमन बुचर हेल जैसे लोगों से लड़ने के बाद अब इन बच्चों से डरेंगे मो? कम ऑन। ठीक है फिर। ये क्या हुआ?
कुछ फाटा जैसे। तारा कोई आ रहा है, चेक कर ब्लड ग्रुप ए से किसका हो रहा है ये। ब्लड ग्रुप ए, लेट मी चेक। डैम इट बॉस, लगा ही था ये है जीगो डिगन। जीगो डिगन, जीगो डिगन। सीगो डिगन, अरे बैंस की सीगो डिगन। अरे सर जी, सीगो डिगन आखिरकार आ ही गया। ईस्ट रूलर, द लिविंग गॉड, द वन एंड ओनली सीगो डिगन। शांति पसंद है मुझे, पर पता नहीं क्यों मेरे आने से आतंक मच जाता है। कहां से आ रहा है जीगो? कौवे की तरह उड़ के तेरे उस धमाके से बंदरों को हार्ट अटैक आ गए थे, पता भी है तेरे को? सॉरी आइला, बोलने वाला कबूतर। कबूतर? अबे तोता हूँ हरामखोर। इस कबूतर ने मुझे गाली दी? लाल कबूतर तेरा बाप छोड़ के गया। चुप हो जा कबूतर, वरना चिकन लेग पीस बना के खा जाऊंगा। मादर, ये पक्का जीगो डिगन ही है ना? ओए बालक, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। 100% हाथ में देख उसके, हाफ रिडागो। बहुत बढ़िया, बचपन से सपना था जीगो डिगन के पिछवाड़े में लात धरने का, अब पूरा होगा। बीस्ट मूड ऑन टॉरस। पूरी जमीन हिल रही है, बाप रे व्हाट अ बीस्ट। सी क्या ये? मैं रुक कैसे गया? ये क्या है? I am impressed. Kid, what's your name? तारे खोदा। Nice, बहुत आगे जाओगे। क्या? क्या था ये? गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुना है कभी? अबे ग्रेविटी। ओ अच्छा अच्छा। लेवल 10 का होकर लेवल 100 से लड़ रहा है गेंडा कहीं का। जिंदा है क्या ये? 46 बोन्स टूट गई है, अभी हॉस्पिटल नहीं लेके तो खत्म। नहीं बॉस, अगर तुम उसे लड़े तो सब खत्म। शट अप। कहाँ गया ये, मुझे तो दिखा भी नहीं। अबे उधर देखो। यहाँ क्यों आया है तू सीगो? ये सवाल तो मेरा है और ये इलाका भी। मार्शल द कोस्ट। क्या दक्षिण का बादशाह साउथ रूलर? मार्शल द घोस्ट। कौन ज्यादा पावरफुल होगा? मैं द चूहू, ये तो पता चल ही जाएगा। सीगो डिगन। मैं डरो इन गार्डन में चलो। मैं डरो। सल्टा जल्दी ही लौटूंगी, साइन लेना। इसकी तो सीगल। देखा बेटा जीगो, डर के भाग गए वो मुझसे। हे हे जीगो सर। जाओ बच्चों, घर जाओ। क्या बच्चे हम? अरे लैली पॉप दे दो अंकल। ये बगल में डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर जाल्टा नहीं देखा क्या? मेरा नाम यूज मत कर। अरे सूत्री के। तो व्हाट्स अ बिग डील? हमें कोयो ने भेजा है,
अगर इतना काफी नहीं है तो बता दूं जो हाथ में तुम्हारे सिंबल है वही मेरे पास भी है, जिसे देखकर सबकी फट जाती है पता नहीं क्यों। बेटा PSG, क्या चाहते हो मुझसे? हमें हेल को हराने में आपकी मदद चाहिए, क्या आप हमारे मार्गदर्शक बनोगे? ठीक है, हमारे पीछे आओ स्वरों। अब ये कौन सी जगह है भाई? डार्क लैंड। तुम्हारा गुरु बनने से पहले तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक हो, ये साबित करो। मंजूर है, आओ हम आते थोड़ी देर में। अरे भाई सर जी। अरे भैया कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़ के? भाड़ में जाओ। क्या करना है? तुम दोनों अगर 40 सेकंड तक मेरे सामने अपने पैर पर खड़े रह गए तो जीत गए। ओए ओए ओए, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ मेन कैरेक्टर। चल जाटा शुरू करें। या बहुत हुआ। बीस्ट मोड ऑन। ब्लैक फीनिक्स मास डिस्ट्रक्टर। क्या तुमने ये अब्सॉर्ब कैसे किया? तुझे नहीं होता? तुम्हारी तो नहीं। शर्म की बात है, तुम लोग अपने पैर पर खड़े तक नहीं हो सकते। जाबंग गॉडफादर सेलेस्टियल बीस के बेटे होकर उनके 1% भी नहीं हो तुम। तुम्हारे बस की बात नहीं है, घर जाओ बच्चों। बाबा बस की नहीं है, डोंट ट्राई टू चैलेंज मी। क्या हुआ, काउंटिंग भूल गए क्या? 37 38 39 40। मेरा शरीर यस। जिंदा है कि मर गया? अभी तो जिंदा हूँ पर आगे का पता नहीं। पीछे आओ स्वर। चलो मेरे पीछे, ये बोथ आर वर्दी। ये कौन सी जगह है? हमारा घर नर्क के चमगादड़। नर्क का चमगादड़? तो जिंदा बच गए तुम, सैड न्यूज। ये कौन है? सुमा 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 चुआन। सुमा मेरी छोटी बहन। अरे वाह। हेलो रेड गर्ल, मैं हूं BHC, मोस्ट अंडररेटेड सुपर हीरो। या जस्ट डू इट। कौन है ये गधे? ये है डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर ज़ल्टा। ज़ल्टा? वाओ, हेलो सर, बिग फैन। Shut up. उस कमीने हेल ने एक शब्द क्या बोला, ये तो पूरा सेलिब्रिटी बन गया बे। हेल स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग बीइंग है अर्थ पे, उसका एक ही शब्द काफी है किसी को भी सेंसेशन बनाने के लिए। जिसको तूने मारा अभी वो है रेडागो होल्डर PSG। क्या रेडागो? पर ये तो हाँ चलाना नहीं आता,
वरना तेरे हेड को इनसे पहले तो 2 सेकंड्स में पहुंच जाती। नालायक गधा। तुम्हें पता है जाल्टा से कोई प्यार नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? इसकी आंखों में देख, प्यार नहीं दहशत दिखेगी, दहशत, बेरहम दरिंदा। तुझे मरना है क्या? मार के तो दिखा। ओए, यहाँ रूल है, तोड़ फोड़ नहीं होना, ऐसा पहलूंगा ना। अच्छा तो ये क्या था फिर? घर वालों के लिए माफ है। नेपोटिज्म। काम की बात कर लें अब। जीगो सर, एक सवाल था मेरा। मैं मर चुका था, मुझे एक सोल ने बजाया। मैं जानना चाहता हूँ वो था कौन। कोई ने कहा तुम्हें पता है, तुम जानते हो तो बताओ मुझे। उससे पूछने की जरूरत नहीं, तू जानता है। क्या मैं जानता हूँ उसे? पर कैसे, कैसे? सोच कौन होगा? उसकी आवाज मेरे जैसी थी। हेल की आवाज भी तो मेरे जैसी थी। क्योंकि मुझे जिसने बनाया वो तेरे बाप का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए मेरी हर एक चीज तेरे बाप जैसी। नहीं नहीं नहीं, सही समझा, तेरे पिता सेंचुरी लेजेंड, रियल गॉड फादर, वन एंड ओनली द जॉक, मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑफ दैट एरा। Damn that century legend, Razak. Razak, वो धोखेबाज। आखिरी बार मेरी माँ ने कहा था वो हमें छोड़ कर चले गए। तेरी माँ का मतलब था वो शहीद हो गए। क्या वो शहीद हुए थे? ऐसा है तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पिता के जाने के कुछ दिनों बाद एक रात को, जब बाहर मौसम बहुत ही खराब था, मैं अपने खूबसूरत सिटी में अपने घर पर अपनी माँ के साथ अकेला बैठा था। तभी किसी ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगा। अचानक से दरवाजा खुला और हमारे सामने आते 3 डीमन जो हम पर हमला कर देते। मेरी माँ जैसे तैसे अपनी अधमरी हालत में मुझे उस घर से बाहर निकालती है, पर वो कब तक भागती। अंत में वही हुआ जिसका डर था, मेरी माँ को उन डीमंस ने पकड़ लिया। मैं एक छोटा सा बच्चा मदद मांगने के लिए आसपास के सभी लोगों के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, भीख मांगी कि मेरी माँ को बचा लो, पर सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। एक ने तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया। उसके बाद कोई तो बचा, कोई तो बचा। कोई बात नहीं बेटा, आखिरकार उन डीमस ने माँ को मार ही दिया। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। कैसे बेरहम दरिंदे हो तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। डागो, ओपन। मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं, बस इतना पता है जब मैं होश में आया तो वो पूरा शहर तबाह हो चुका था और किसी ने उन डीमंस के चीतड़े उड़ा दिए थे। इतना टॉर्चर सहने के बाद भी ये इतना कूल कैसे रहता है? मैं हूं उस कहानी का राइटर। मेरा सवाल यह है कि अगर मेरे पिता लोगों को जिंदा कर सकते थे तो उन्होंने माँ को क्यों नहीं किया? क्यों मुझे दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर कर दिया? ये नर्क जैसी जिंदगी अकेले जीने में मजबूर कर दिया। ये कोई पावर नहीं, एक वरदान था। वो सिर्फ एक इंसान को एक ही बार जिंदा कर सकते थे। ठीक है, एक इंसान एक ही बार, तो मैं क्यों, माँ क्यों नहीं? ये खुद से पूछ, क्या तेरी माँ चाहती थी तेरी बचाए, उनको बचाया जाए?
इसका मतलब मैं अपने पिता को हमेशा गलत समझता रहा। किसने मारा मेरे पिता को? कौन है वो ब्लडी मेन विलन? मेन विलन बताऊंगा बाद में। सुमा बेरी किधर है? तुम्हारे कूदने के बाद वो गधा भी कूद गया। क्या? अबे वो मर जाएगा। ये कौन आया? आई एम बैक, होम स्वीट होम। मेरे लाल आ गले लग जा। जीगो सर, हराम खोर, अबे तुम मरता तो हॉस्पिटल के पैसा क्या तेरा बाप भरता? मेरे भाई बाप तो आप हो ना। सुमा बेल्ट लेकर आ, बाप होने का फर्ज अदा करो जरा। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। डिस्ट्रक्टिव मोशन जल्दा, यू बास्टर्ड। अबे तूने कितने कांड किए हैं बेचाल्टा, इसका क्या कर दिया तूने? अब मैं तो जानता भी नहीं इसे। तो जैसे गॉड गिफ्टेड लोग हमारी जैसे हार्ड वर्कर्स की बेइज्जती करते हैं। ओए औकात मेरा लूजर। औकात खुद की देख, अपनी बाप की पावर बॉट उछल रहा है ये देख, इसे बोलते हैं मेहनत। फटता, तुम्हारे माता पिता को शर्म आनी चाहिए तुम पर। तुम्हारे माँ बाप को शर्म आनी चाहिए तुम पर। तेरी आवाज तो बिल्कुल हेल के जैसी है। Divine eyes. Damn it. तुम गॉड गिफ्टेड लोग को उनकी औकात आज मैं दिखाऊंगा। अबे ये पागल है क्या? ना, पर पागलपन बहुत है। ब्लेड ऑफ डीमन ऑग्र, ऑग्र ग्रामा ब्लास्ट। डिवाइन आई, माय ब्लड। सॉरी सर, आई एम बिजी। ऊपर देख। क्या? मीटियर। क्यों? किस लिए? अबे कैसे? गवर्नमेंट अक्सर जीगो भाई को मारने के लिए ऐसे मीटियर भेजती है। डिवाइन आइस। अब क्या करेंगे भैया, मरे हम तो। अरे सीखो कुछ कर, सीखो कुछ कर, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी, कुछ कर सीखो। ये किसने किया? ओए बैरिकेड, तूने? ना। शुमा तूने? अरे वाह, नहीं। अरे फिर तो जीको डिगन नहीं किया होगा, बहुत बढ़िया सर। मैंने नहीं, उसने। फूलों में बहार है, है तुमको हमसे प्यार है। ना 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 साल्टा, तू जिंदा है? That's my boy. मेरे कुर्सी में आकर मेरे ही ऊपर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अबे रुक जा, वहीं आगे बताता हूँ। Oh my God! What a monstrous energy! Bloody monsters! क्या? ये कैसे किया तूने? पता नहीं कैसे, पर ये औरा मुझे छू तक नहीं पा रहा है। बहुत बढ़िया, चलो अब आगे चलते हैं। मैं भी आऊंगा। ओए गधो! एक मिनट। किंग का इनविटेशन आया है, वो बोल रहा है मेरे नाती के मुंडन में जलूल जलूल आना। टूर्नामेंट ऑफ बीस्ट्स, आई रिफ्यूज। नो बेबी नो, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। और किंग का ऑर्डर रिफ्यूज करने का मतलब जानता है ना तू? ओ
ओए इधर देख हेल ब्लडी हेल अल्टा बीएस जी कैसे हो यम नो 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 कम टू योर डैडी बैरी आजा भतीजे ओए 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 छोड़ उन्हें यही पे मरेगा वरना मारना कम ऑन जस्ट डू इट मारना क्या हुआ तुझे लगता है अगर हम दोनों लड़ेंगे तो ये पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी और ये तेरे पालतू कुत्ते मारे जाएंगे अरे अपनों की इतनी ही फिगर थी तो को क्यों मारा कमीने क्यों किया उससे वापस जिंदा करके ये शराब जैसे जिंदगी जीने में मजबूर कर दिया हट शराब बस तू है तू जैसे मैं खत्म करूंगा ओए बीएसजी तेरे पिता सेंचुरी लेजेंड रेजो को इस कमीने जीगो ने मारा गरीटा को छीनने के लिए सबूत इसके हाथ में तुझे लड़ना है क्या लड़ूंगा पर वक्त और जगह मेरी होगी क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है और वैसे भी मैंने कोयू से वादा किया कि तुझे उसकी आंखों के सामने मारूंगा सो अभी के लिए एंजॉय योर लाइफ सीगो ब्लैक डैगर गुरुजी ये गधा कहीं मेरा राज ना खोल दे लगता है मुझे हराने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ कभी कभी तो लगता है अपुनी भगवान है चल बेटा हेल तैयार हो जा भूलने के लिए बिचारा हेल बिचारी दुनिया नॉक नॉक तेरा बाप आया अरे कैसे ऐसा लग रहा जैसे किसी बिल्ली की पूंछ में पैर रख दिया ये असंभव है कैसे किया तूने तुम्हें पता है गुरुजी याद कर 26 साल पहले बेटा बहन लेसन 24 आज मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे मेरे टाइम डोमेन में घुसा जाए ये एक ऐसी जगह है जो वक्त को रोकने के बाद बनती है ये इसका मंत्र है याद रखना ओमा ओपन द डोमेन डैगर ओमा ओपन द डोमेन डैगर बाबा पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हो ये तो आपकी वीकनेस है क्योंकि अगर मैं कभी अपने टाइम डोमेन में खतरे में पड़ गया तो मेरे पास कोई बैकअप होना चाहिए ना जो कि होगा तू मेरे बच्चे मैं भरोसा करता हूँ तुझ पर क्योंकि तू जल्द पूरा करेगा मेरा सपना कॉन्कर द वर्ल्ड मैं एक ही झटके में इस पूरी धरती को खत्म कर दूंगा फिर छुटकारा मिलेगा तुझसे कीड़े नहीं 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 ऐसा मत करो गुरुजी धरती मत उड़ाना मैं आपके पैर पड़ता हूँ भीख मांगता हूँ आपसे अबे मैं हीरो नहीं हूँ विलन हूँ विलन तो धरती उड़ा या ब्रह्मांड मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता और मेरे को ब्लैकमेल ऐसे करोगे तुम के धरती उड़ा दूंगा ब्ला 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 लेट मी टीच यू कि ब्लैकमेल करते कैसे क्या आपको एपिसोड 18 याद है जिसमें मैंने एक वरदान मांगा था एक डिवाइन वेपन का जिससे मैं किसी भी एक इंसान को खत्म कर सकता हूँ Do you want to be that one person? पर वो तो जीगो के लिए था ना तेरी पूरी जिंदगी मेरे मूड पे निर्भर है अभी के लिए I give up and this is called revenge. You little brat. आ
आज के लिए इतना बहुत है। सी यू गुरु जी। अनजाने में ही सही पर मुझे रोक कर तू इस पूरी दुनिया को बचा रहा है, और डेविल ऐसा नहीं करते। बेवकूफ बच्चे, नहीं बनना था मुझे डेविल, इंसानी खुश था और भाड़ में जाए दुनिया। मुझे तो बस तुझे और उस जीगो डिगन को खत्म करना है। कोशिश कर ले, पर अगर तू फेल हुआ तो मैं ये आधे ब्रह्मांड को राख में बदल दूंगा। सब कुछ खत्म। तुझे क्या लगता है, तू नालायक बच्चों को कठपुतली बना के मुझसे भग जाएगा? तो ठीक है फिर, मैं भी तुझे वादा देता हूँ कि इनके सामने कभी तेरा राज नहीं खोलूंगा। अब दम है तो मुझे रोक ले। यहाँ कुछ तो स्किप हुआ है अभी। ओके सीगो भाई, चलो चलता हूँ। और हाँ, किंग के नाती के मुंडन में जलूल जलूल होना। शीघ्र, एक मिनट, मेरे पिता को तुमने मारा।